अभी मत कर जा रहे जा नहीं तो यार आ चुके कोनी वीडियो के साथ वापस। अब ये वाले मैच में मैंने सोचा कि यार सोलो भी स्क्वाड खेलते आज एंड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन गलती से लग जाता है सोलो भी डुओ। अब फिलहाल इसी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड एक तो मेरे से थोड़ा सा लैंडिंग में गलती हो गई है, थोड़ा लेट हो गया अब उतरने में, बट कोई बात नहीं, अब जल्दी से गन ढूंढ लेते हैं। और एक ही टीम उतरी है तो ज़्यादा डरने की भी बात नहीं है एंड यहाँ पर फिलहाल तो सबसे पहले गन ढूंढनी पड़ेगी, वरना वो टीम भागी भागी आएगी और फेल देगी मेरे को और यहीं पर फिर सब गेम ही खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से ढूंढ लेते हैं। एंड जब जब आप स्क्वाड में उतरते हो तब तो थोड़ी सी मुश्किल होती है गन ढूंढने में, क्योंकि भैया चार घर में चार बंदे उतर जाते हैं और आपके पास बचता है सिर्फ एक घर, उसमें भी अगर गन नहीं मिली तो फिर आपको बिना गन के घूमना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बीच में कोई उतरा नहीं है, ऊपर से मैं सोलो भी डुओ खेल रहा हूँ, तो मतलब चारों घर अपने कब्जे में है और यहाँ पे फिलहाल मिल गई है उजी। अब उस साइड जो टीम उतरी है तो उसको पेल देते हैं एंड यहीं पर उनका एक बंदा अभी लूट रहा था तो पेलते उसको। एंड यार यहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं हो रहा था, इस बंदे के साथ भी, मतलब इसको भी गन नहीं मिली इतनी देर में, तो फेल देते इसको भी। एंड ये जब भी मतलब मरा होगा ना, इसने सोचा होगा कि भैया दोबारा मतलब आने का ही नहीं है पोचिंग की, मैं मतलब गन ही नहीं मिलती यहाँ पे, वो भी इतनी पहले उधर गया था तब भी नहीं मिली। फिलहाल इसका दूसरा टीम मेट भी इधर ही किधर होगा, तो चलो बजा देते उसको भी। अब ये तो था बॉट, मैं समझा इसका टीममेट है, बट इसके पास मेरे को मिल गई गन, मतलब उसी की बुलेट जो है ख़त्म हो रही थी तो इसके पास, मतलब ऐसा होता है कि मतलब बॉट को सबसे पहले बताता है कि गन किस घर में पड़ी हुई है। फिलहाल जो है यहाँ से आ रहे फुटस्टेप, मतलब वो जो मैंने सिंगल बंदा मारा था उसका टीममेट यही है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि वो कब यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाए तो मैं कोने से बजा दूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो सीन होने वाला है ना, उसको देख के आप मुझे हैकर बोलने वाले हो, बस अब देखो सीन और क्या हुआ कमेंट में बताना। अब फिलहाल ये जो भी बंदा था ना यार, ये पक्का मुझे हैकर समझ रहा होगा, मतलब बिल्कुल दीवार के पीछे था लेकिन हल्का सा कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है, आम का हिस्सा जो बाजू होती है वो हल्की सी बाहर थी, तो उसी पे सारी की सारी बुलेट लग गई। एंड ये बंदा सोच रहा होगा पक्का हैकर है, तो अब फिलहाल ऑल पे इसीलिए मैंने कर रखा है कि गाली वाली दे तो पता तो लगे कि बंदा हैकर बोल रहा था कि क्या। अब फिलहाल इतना में एक बॉट दिखता तो पेल देते इसको भी। एंड क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दोनों ही उजी है, तो दोनों उजी होना भी भैया खतरे से खाली नहीं है, बिकॉज क्लोज में तो आप देख लोगे लेकिन जैसे आप हल्के से मिड रेंज में गए तो भैया उजी की जो बुलेट ड्रॉप है और प्लस एक्यूरेसी घटती जाती है जितनी आप दूर जाते जाते हो, तो यहाँ से ज़्यादा दूर तो स्प्रे नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैंने स्कारल उठा लिया है और वैसे भी स्कारल से काफ़ी दूर तक स्प्रे भी हो जाते हैं, लॉन्ग रेंज में भी काम आ जाती है। अब देखो यहाँ पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा देखा जाए, इंस्पेक्शन किया जाए रोज़ों का, लेकिन भैया यहाँ पर चप्पे चप्पे से निकलता है ये वाला बंदा। मतलब अभी मैं सोच ही रहा था कि यहाँ पे रुकूं, बट एक बात अच्छी हुई कि इसके पास से मुझे 3x मिल गया है जो कि अब बिल्कुल स्कारल पे लग जाएगा, तो डीपी मैंने नहीं उठाई और उसके बाद आ जाते हैं ये वाले ड्रॉप पे। अब ये वाले ड्रॉप पे क्या होता है कि बिल्कुल मैं बिल्कुल सबसे पहले तो गाड़ी साइड पर ले जाता हूँ कि ये ना हो कि कोई डुओ आ जाए और आके मेरे को बजा दे, तो सबसे पहले मैंने इधर उधर देखा और फिलहाल बिल्कुल मामला साफ है, तो जल्दी जल्दी ड्रॉप लूट लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि भाई MK14 मिल जाए तो मतलब डुओ को मारने में थोड़ा सा आसानी होगी, लेकिन MK14 की जगह मिल जाती है M249 और ये भी काफ़ी बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीन होने वाले हैं ना वो आप देखो। अब बिल्कुल ऊपर की साइड जा रहा था मैं और जैसे मुझे दो बंदे दिखे मैंने बिल्कुल यू टर्न मार दिया और फट के हो गई थी चार, लेकिन दोनों का एम एकदम आलू था, मतलब क्या ही बताऊँ। फिलहाल वो बंदे जो है बिल्कुल वहाँ पर बिना वेट किए अपनी गाड़ी उठा के मेरे पे आ जाते पुश करने के लिए, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी ये वाले मैच में। अब पहले तो ये बंदे जो है बिल्कुल ऊपर थे और वहाँ से ये मेरे को बहुत इजीली मार सकते थे, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ व्यू काफ़ी बढ़िया मिलता है, लेकिन इन्होंने पुश करके गलती कर दी और ऊपर से मेरे पे फायर आता है कहीं से, तो चलो बजाते हैं उसको भी। एंड वो मेरे को हल्का सा सपोर्ट होता है, मतलब देखो आप, एंड इसको सिर्फ एक बॉडी और एक हेड लगा तो ये वैसे भी डैमेज था तो पेल दिया गया सीधा सीधा। एंड शायद ये दो बंदे जो थे ये शायद पहले उसी के साथ फाइट कर रहे थे। देन अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और ऊपर गाड़ी होती है, ठीक है, तो उनको मैं बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देता हूँ, तो अपन लूट वूट कर लेते पहले, लेकिन भैया जो डैमेज वो देते ना अब देखो।
अब वो भले ही काफ़ी दूर थे लेकिन शायद उनके पास जो है SLR के ऊपर ATX लगा हुआ था तो वो इजीली वहाँ से मार पा रहे थे मेरे को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्मोक डाल के लूटे लग जाता हूँ क्योंकि भैया AKM की कुछ एमओ वहाँ पे रह गई थी। अब जब तक मैं सोचता कि भाई यहाँ से निकलने इतने में आ जाती है गाड़ी, वो भी बिल्कुल पुश कर देते मेरे पे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था ड्राइवर, लेकिन मरा कौन, उसका टीममेट। अब फिलहाल जो है वो 1 HP पे बचा हुआ था वहाँ पे पेड़ के पीछे। अब मुझे पता था यार यहाँ पे जब तक मैं M249 रीलोड करूँगा तब तक तो भाई वो मस्त एकदम रिवाइव करके भाग भी जाएंगे और गेम भी जीत लेंगे। तो मैंने क्या किया, AKM को रीलोड किया और M249 को वैसे रहने दिया और डायरेक्ट पुश कर दिया उन पर। अब जो वो वाला बंदा था जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, एक तो वहाँ पे जगह काफ़ी कम थी, दूसरा उसके पास स्मोक भी नहीं था कोई, तो उसको मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे हल्का सा वो मेरे पे ज़्यादा अटैक कर सकता था क्योंकि वो एकदम कवर में था और मैं बिल्कुल ओपन में, लेकिन आई थिंक उसके पास बिल्कुल भी हेल्थ नहीं थी, दैट्स वाई वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस उसका गिर चुका था। एंड स्मोक, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये स्मोक क्यों नहीं किया है, तो उसकी मैं क्रेट चेक करके दिखाता हूँ कि भाई इस बंदे के पास पक्का स्मोक नहीं होंगे। एंड वाकई में इस बंदे के पास स्मोक नहीं थे जब मैंने चेक किया, तो यहाँ पे आपको भी दिखा देता हूँ। 3 नेट थे लेकिन स्मोक नहीं था, और बट इसके दूसरे टीममेट के पास हो सकते थे स्मोक, तो ऐसा हो सकता है कई बार उनके पास स्मोक होते लेकिन वो नॉक होते, तो आप ऐसा कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली स्क्वाड हाउस पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल एकदम बेस्ट सिचुएशन बनती है दो टीमों के बीच में लड़ाई। अब एक टीम तो भैया बिल्कुल बीचों बीच आके पिट गई, मतलब एक बंदा उन्होंने नोक किया, दूसरे को मैंने, बट किल उन्हीं को मिल गया पता नहीं कैसे। अब फिलहाल यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि नेट फेंक दूँ, लेकिन उन्होंने तो पहले डिसाइड कर लिया था नेट फेंकने का, बट वो नेट जो जाता है पीछे वाले दरवाजे पे, यानी वो जो बीच वाला दरवाजा था वहाँ पे। तो मैं सबसे पहले तो गाड़ी को आगे ले जाता हूँ कि ये गाड़ी जो है थोड़ा सा मेरे को वहाँ पे फंसा दे रही है। अब फिलहाल वो दो बंदे, मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ यहाँ पे कि वो पे खुद ही रश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता यार, मेरे को ही उन पे जाके रश करना पड़ता है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप सुनो, उसकी टेक्निक देखना और मेरी टेक्निक देखना। अब देखो वहाँ पे ये नीचे कूद गया, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले पीछे जाता हूँ, डिस्टेंस बनाता हूँ, फिर पिन खींचता हूँ ताकि उसको आवाज़ नहीं आए, क्योंकि जितनी दूर से पिन खींचोगे आवाज़ दब जाएगी, और आवाज़ दब गई तो वही बंदा हो गया नॉक। अब अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल कोने से ही नेट खींचता तो ये बंदा सुन लेता और वहाँ से हट लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं हो गया दूर। अब फिलहाल जो आखिरी बंदा बचा हुआ इसका, जो कि बालकोनी में बार, उसकी आवाज़ से साफ पता लगाया जा सकता है, तो ये नेट करता हूँ मैं, और नेट बहुत ही सही होता है लेकिन एक हल्की सी गलती हो जाती है, यहाँ पे नेट गिर जाता अंदर, और जैसे नेट गिरा तो दोनों के कान सुन हो गए। इतने में मैंने भी उस पर रश किया, उसने भी मेरे पर रश किया, और दोनों एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि एक दूसरे पर रश करेंगे, लेकिन कर दिया और फेल दिया गया वो बंदा। एंड फिलहाल जो है सबसे पहले तो अपनी नेट वापस ले लेते हैं लूट पूट के, एंड यहाँ से निकलते समय आती है भाई साहब एक बगी, अब देखना उस बगी को भी कैसे बजाते हम। अब यार पता नहीं क्यों लेकिन M249 पे जब आप 6-6 लगाते हो एंड स्प्रे करते हो किसी बगी पे, तो भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा आपकी बुलेट उसमें चिपक के जाती हैं। एंड फिलहाल वो बंदा 1 HP था, तो मेरे को ज़्यादा यहाँ पे वेट कुछ नहीं करना था, जस्ट पुश करना था और ख़त्म करना था उसको। अब यहाँ पे थोड़ा सा खतरा था, अगर थोड़ा सा मतलब टाइमिंग इधर उधर हो जाती और वो बंदा थोड़ा सा कवर में चला जाता तो दिक्कत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है बजा दिया उसको, क्योंकि उसकी हेल्थ कम थी, और जब हेल्थ कम होती है तो भाई फिर थोड़ा सा आपके पास एडवांटेज आ जाता है, क्योंकि आपकी बुलेट पहली लगेगी तो वही बंदा जो है मरेगा पक्का। अब फिलहाल आ जाते हैं यहाँ पे, और ये किल जो था ना, मतलब बिल्कुल दोनों की मतलब सबसे अभी तक का टफेस्ट किल था, क्योंकि एक बंदे को मारने में मेरे को यहाँ पे लगे 5 से 6 मिनट, सिर्फ एक बंदा। अब यहाँ पे उसकी टेक्निक देखो, मतलब वही पुरानी टेक्निक, गाड़ी लगा दो, फंसा दो और खेल दो। लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो नेट की बरसात करने लग जाता हूँ। मेरे पास है बिल्कुल 6 नेट, देखो एक मैंने फेंक दिया, 4 अभी भी पड़े हैं और एक अंदर से मिलेगा मेरे को। अब मैं ऊपर नहीं जा सकता, मेरे को उसको नेट से ही मारना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वो नेट मिल गया तो इसको भी उठा लेते सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे हर एक घर में मैंने बताया था एंगल्स बनते हैं, आप किसी को भी मार सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको जो है ज़्यादा टफ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा मेंटली क्या करता हूँ, डराता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से फेंका नेट और कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करता है, गत्ते के पीछे चला जाता है, इस स्क्वाड हाउस में बीचों पीछे गत्ता है जिसके पीछे मतलब नेट नहीं जाते, तो यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट एंगल बनता है जहाँ पे नेट जा सकते हैं, लेकिन हल्की सी
मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पे नीड थोड़ा सा गलत चला गया मिस टाइमिंग की वजह से। तो अभी मैं दो नीड अपने बर्बाद कर चुका हूँ, तीसरा फेंकता हूँ मैं बिल्कुल पैनिक रूम में, ताकि वो जो पैनिक रूम में तो जाए नहीं, ना ही वो बिल्कुल आगे सीढ़ियों पर जाए। तो अब यहाँ पे देखो वो बैंडेजेस लगा रहा है, मतलब वो डैमेज है, और अगेन वो बच गया, मतलब वो डैमेज हो रहा है लेकिन अगेन वो बच जा रहा है। तो उसकी हेल्थ अभी भी काफ़ी कम होगी, अगर वो बैंडेज लगा रहा है तो मतलब उसके पास हील भी नहीं होगी। एंड फिलहाल मेरे पास बचे दो नीड, तो वो चला गया शायद सीढ़ियों पर। अब यहाँ से मैं फिर से उसको डरा के वापस कमरे में भेज देता हूँ। अब फिर से मैंने उसको कमरे में भेज दिया, अब वो फिर उसी गत्ते के पीछे है लेकिन उसकी हेल्थ काफ़ी कम है। तो यहाँ पे अब मेरे को काफ़ी सोच समझ के नीड फेंकनी पड़ेगी। अगेन मैं एक और नीड ट्राई करता हूँ, क्योंकि वो बैंडेज लगा रहा है और हो सकता है कोई इस नीड से वो मर जाए, लेकिन वो वहाँ से जो है ट्रैवल कर जाता है और अगेन बच जाता है। मतलब उसकी हेल्थ अभी भी काफ़ी कम थी, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ एक ही नीड बचा था। मतलब अगर मैं उसको नहीं मार पाया इस नीड में तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं करता हूँ, सबसे पहले तो नेट की पिन खींच के उसको डरा डरा के सीढ़ियों पर ले आता हूँ। और जैसे ही वो सीढ़ियों पर आया भैया, तो अब देखो बूम, मतलब देखो यार, मतलब किस्मत भी क्या चीज़ है। मतलब 6 नेट थे मेरे पास और बिल्कुल आखिरी नेट पे मरा वो। अब यहाँ पे फिलहाल जो है मैं उसको लूट तो नहीं सकता ऊपर जाके, क्योंकि उसने खुद ही ऐसा कर दिया, मतलब फंसा दिया। तो इधर से जाने का रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको एक टीममेट चाहिए, जो कि आपके पास एक टीममेट होना चाहिए, तो जिसको आप इसके पीछे खड़ा करोगे तो ऊपर जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सोलो में कहाँ से आएगा टीममेट। अब आता है भैया मतलब एक आखिरी मोमेंट, जो डिसिंक मैंने किया था आपको शुरुआत में, मैंने दिखाया होगा दीवार के पीछे वाला डिसिंक, वही डिसिंक यहाँ पे मेरे साथ भी होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं नेट वेट लेने आता हूँ ये वाली टीम को जिसको पहला था। तो इसके पास नेट वेट तो नहीं मिलते, लेकिन एक गाड़ी ज़रूर आ जाती है, एंड थोड़े से डैमेज भी करता हूँ मैं। अब देखो आप, अब यहाँ पे जो एक सवारी वाली सीट पे बैठा हुआ था उसको तो मैं कर देता हूँ डैमेज, लेकिन इसका एक बंदा उतर के जो है पीछे घर में चला जाता है। अब जो यहीं पे रहता है तो उसको मैं पुश कर देता हूँ। लेकिन वही डिसिंग मेरे साथ भी हुआ, आई थिंक उसको एंगल मिल रहा था अंदर से, तो वहीं से फील दिया उसने। बट अगर मैं वहाँ पे बच जाता तो ये स्क्वाड भी शायद वाइप हो सकती थी, मतलब आई मीन टू। तो आई होप यार ये वीडियो आपको सही लगा होगा, एंड सबसे बेस्ट मोमेंट बताना मेरे को, काफ़ी वियर्ड चीज़ें हुई एंड नेट वाला सीन तो सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से ये वाले गेम प्ले में। बाकी आप बताना आपके हिसाब से कौन सा सीन जो है आपको सबसे बेस्ट लगा। एंड फिलहाल जो भी नए लोग देख रहे हो यार, सब्सक्राइब करना, ऑब्वियसली तुम्हारे भाई का चैनल है। एंड हाँ, एक और चीज़, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, बिल्कुल क्लोज है, बिल्कुल मतलब होने वाले 100K, बिल्कुल होने वाले। तो काफ़ी दिनों से वैसे भी मैं बोल ही रहा था, तो आज जो है कराई देना, जितने भी लोग बचे हुए जाके एक बार इंस्टाग्राम जरूर चेकआउट कर लेना मेरा, आपकी बिल्कुल स्क्रीन पे यही है मेरा इंस्टाग्राम, तो जाके आप सर्च भी कर सकते हो और आपको वैसे भी मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो जाके 100K करा देना आज ही आज, एंड मैं मिलता हूँ ऐसे को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक क्या रहे।